जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी टाइम 7 बज रहा है अभी, और अभी हमारा नींद खुल गया। कल तो 8:30 बजे उठा था, और आज जग गया रहा था थोड़ा और सवेरे, लेकिन दोस्तों 2:30 बजे ही नींद टूट गया। उसके बाद में 4:30 बजे फिर सोया हूँ, उस बीच में फिर जगे ही रह गया मोबाइल देखने के चक्कर में। मोबाइल देखने लगा 2:30 से 4:30 बजे तक, 2 घंटे। उसके बाद सो गया, अभी नींद टूटा है, अभी 7 बज रहा है। तो चलते हैं, टॉयलेट टॉयलेट ब्रश व्रश करके फ्रेश व्रेश अच्छे से हो जाते हैं, फिर माल उल सरियाएंगे। चलते हैं फ्रेश व्रेश होकर के, मिलते हैं। चलिए बाप, ये देखिए दोस्तों कितना धुंध, धुंध से पूरा भरा हुआ है, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। कितना ज्यादा धुंध है देख सकते हैं। तो अभी मैं फ्रेश व्रेश हो गया, टॉयलेट ब्रश व्रश करके, और आज का मौसम देख सकते हैं कितना धुंध लगा हुआ है। थोड़ा दूर का भी नहीं दिख रहा है, सामने वाला घर थोड़ा ही दूर है, नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं। तो चलते हैं, अभी माल सब ये सब इसमें, ऐसे ट्राउजर तो है थोड़ा सा उधर स्टॉक में, ट्राउजर है ये तो सरिया हुआ है, खाली इस झोरा में का माल सरिया लेते हैं। इसमें का थोड़ा वो कुर्ती खाली खत्म हो गया है, इसमें है तो सरिया लेते हैं। और गमछा सरियाएंगे, गमछा सरिया करके सब कुछ अच्छे से सरिया लेते हैं, उसके बाद में फिर मिलते हैं। टाइम दोस्तों अभी हो गया कितना, 7:30 हो रहा है अभी, तो चलते हैं सब सरिया लिया करके फिर मिलते हैं। पहले दोस्तों सारा सरिया लिया, गमछा भी हो गया, झोरा में का भी हो गया, और इतना बच गया है, इतना मतलब स्टॉक में है, थोड़ा सा गमछा खाली है बस। और इसमें सिर्फ थोड़ा सा नाइटी उटी है, ट्राउजर है 24 वो है बस, बड़ा वाला साइज है 4-5 साल। और दोस्तों इधर भी ये भी हो गया, ये तो सरिया ही हुआ था, थोड़ा सा ऐड किए हैं, थोड़ा सा ट्राउजर कम ही था, ट्राउजर थोड़ा खाली ऐड किया है उसमें बस, नहीं तो हो गया सारा। और अभी दोस्तों 8:30 हो गया है, तो अभी रुकते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में 9:15-9:30 बजे के आसपास में स्नान करेंगे, 10 बजे से फिर फ्री पर निकलेंगे। अभी टाइम 10:15 हो गया है, और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, देख सकते हैं पूरी तरह से फ्रेश मौसम हो चुका है दोस्तों। तो चलते हैं फिलहाल घूमते हैं, अभी बोनी उनी नहीं हुआ है, ये हमारे गांव इधर है साइड में, सामने है, यानी कि घर के गोइरा में हूँ, गांव के गोइरा में। तो अभी चलते हैं दोस्तों एक दो गांव में घूम के, फिर मिलते हैं, देखते हैं आज का दिनचर्या कैसा रहता है, कितना का सेल हो पाता है कि नहीं। और दोस्तों एक और बात, मेरे मन में जो है ना, मतलब दो तरह का बात हो रहा है दोस्तों। कुछ दिन पहले हमने एक गाड़ी बेचना चाह रहा था, क्योंकि दोस्तों पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, और इस समय जो है ना पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इस समय ग्राहक आ गया है, और उस समय दे रहा था उससे 5,000 ज़्यादा दे रहा है दाम अभी, तो बेचे कि ना बेचे इसी अस अस मजस में, मतलब कि अहजा में है। तो देखते हैं क्या होता है, और गैरेज वाले को मैं बता दिया था कि कोई होगा खरीदने वाला तो बताइएगा, तो अभी बोल रहा है कि 40,000 के आसपास तक बता रहा है गाड़ी का दाम। तो देखते हैं क्या होता है, फिलहाल चलते हैं बेचते हुए, उसको बताएंगे। गाड़ी का कागज़ भी हमारा भुला गया है, तो फिलहाल चलते हैं एक दो गाँव में घूम के मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हमने थोड़ा देर यहाँ पे रुका हूँ देख सकते हैं, और सोचा हूँ थोड़ा अच्छे से सोचा हूँ, तो दोस्तों ये पैसे की मुझे खास ज़रूरत भी नहीं है। मैं उस समय बेचना चाह रहा था गाड़ी को जिस समय मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, लेकिन इस समय जो है ना पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कस्टमर आ गया है, 5,000 ज़्यादा दे रहा है। लेकिन सोच विचार करने के बाद मैं यह निर्णय लिया हूँ कि गाड़ी नहीं बेचूँगा, क्योंकि दोस्तों गाड़ी अगर बेच देता हूँ तो हैबिट हो गया है गाड़ी पर फेरी करने का, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों गाड़ी में बेच रहा था इसके लिए भी, क्योंकि दोस्तों जितना दूर मैं साइकिल से फेरी करता था उतना ही दूरी जो है ना गाड़ी से भी
होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसमें ख़र्चा भी तो एक्स्ट्रा है। 100 125 रुपया पेट्रोल में, यानी कि 150 रुपया हमारा खर्चा बढ़ गया है गाड़ी लेने से। गाड़ी नहीं रहेगा तो 100 150 रुपया तो कम, 100 रुपया तो कम, 125 रुपया खर्च होगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। वज़न इस पे है तो कितना भी घूमते हैं उतना ही दूर, लेकिन सामान ज़्यादा रहता है, कितना भी भारी रहता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन अगर साइकिल से घूमेंगे तो इतना माल लोड नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ घूमेंगे तो उतना है लेकिन इतना माल लोड ही नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो मेहनत ज़्यादा होगा, थकेंगे जल्दी। तो एक ये होता है कि दोस्तों साइकिल से फेरी करने से एक्सरसाइज होता है, तो एक्सरसाइज तो होता है लेकिन दोस्तों मेहनत करते हैं तो पैसा भी होगा। और जितना दिहाड़ी अगर मिलाया जाए, तो मैंने 2 साल पहले काम किया, लगभग 2 साल से गाड़ी से कर रहा हूँ, 2 साल पहले साइकिल से किया हुआ था। तो उस समय जितना साइकिल से होता था उतना मोटरसाइकिल से अभी भी होता है। लेकिन अभी इस समय कैसे होता है, क्योंकि साइकिल से भी इस समय भी बहुत आदमी कर रहा है, लेकिन मुझे हैबिट हो गया है गाड़ी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गाड़ी बेच लेंगे तो फिर साइकिल से मुश्किल होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, कर तो लेंगे लेकिन मुश्किल होगा। इसमें है तो थकते नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं होता है, गाड़ी चलाते हैं उतना कमाई हो ही जाता है, आ मेहनत नहीं बुझाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर कमाना चाहेंगे, अच्छे से कमाएंगे, अच्छे से ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी समझ के, तो नौकरी समझ के, नौकरी जैसे 8 घंटे काम करेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। तो जितना दे रहा है, 40 हज़ार दे रहा है, उससे ज़्यादा इनकम मुझे हो जाएगा। तो अभी गर्मी आ गया है तो गर्मी में और ज़्यादा अच्छा सेल होगा, और लगन भी आ रहा है तो इस समय ज़्यादा अच्छा सेल होगा। तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया है गाड़ी को बेचना, और कन्फ्यूज़न था बेचे कि नहीं बेचे, बेचे कि नहीं बेचे। तो चलिए दोस्तों, बेचना कैंसिल कर दिया है, गाड़ी रखेंगे। और यही होगा कि गाड़ी से फेरी करेंगे तो मेहनत नहीं होगा, मेहनत नहीं बुझाएगा, कितना भी लोडिंग कर लेंगे मेहनत नहीं बुझाएगा। घूमने के बाद है तो जितना साइकिल से घूम पाते हैं उतना ही इससे भी घूम, क्योंकि दोस्तों ऐसे 25 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर साइकिल से भी फेरी कर लेते थे, और गाड़ी से भी 40 45 किलोमीटर होता है रनिंग। ऐसे तो घर से लगभग 10 किलोमीटर ही फेरी करते हैं, लेकिन कभी इस गली में कभी उस गली में घूमते घूमते जो है ना 40 45 किलोमीटर पूर जाता है। तो चलिए गाड़ी से ही फेरिंग करेंगे। अभी दोस्तों बहनी वहनी अभी नहीं हुआ है, टाइम दोस्तों अभी 11 बज चुका है। गैरेज वाले को मैं बोल दिया हूँ कि भाई गाड़ी बेचना मैं कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोस्तों उसको बोल दिया हूँ कि अभी मुझे पैसा की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए गाड़ी नहीं बेचूँगा अभी। उस समय जिस समय आपको बताया था उस समय मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत था, इसलिए हमने आपको बताया था, लेकिन उस समय नहीं बिकाया, तो अभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने आज अभी इस समय कैंसिल करते हैं गाड़ी बेचना, तो उसको मना कर दीजिएगा। तो ऐसे करके अभी आ गया है उधर, और दोस्तों चलते हैं घूमते हैं, अभी 11:15 हो रहा है, देखते हैं आज कैसा होता है क्या होता है, क्योंकि दूसरे तरह के माइंड हो गया है कन्फ्यूजन की वजह से। दोस्तों अभी 12 बज रहा है और फर्स्ट बोनी अभी हुआ है, एगो गमछा बिका है, और कन्फ्यूजन की वजह से तो घूमने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी घूम रहे हैं, तो गमछा से ही बोनी हुआ है, फिलहाल घूमते हैं अभी। दोस्तों अभी 1 बजने वाला है और 200 का सेल फिर हुआ है, ट्राउजर वाउजर छोटे बच्चे का, लगभग 1.5 साल बच्चे का, 1.5 साल और 5 साल का, 200 का सेल हुआ है फिर, तो मतलब 250 का टोटल सेल हो गया है, 1 बज गया है। और दोस्तों कंफ्यूजन के साथ साथ जो है ना, घर में भी मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे कि हम अगर काम कर रहे हैं फेरी वाला, तो हमारा माहौल जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए पूरी तरह से। और मैं जिस माहौल में रहता हूँ वहाँ पे ज़्यादा करके निगेटिव बात ही सुनने को मिलता है, खाली निगेटिव, हर तरफ से निगेटिव। इसकी वजह से जो है ना, आज जो घर से निकलते समय ही मैं निगेटिव था, कन्फ्यूजन तो था ही और बहुत ज़्यादा निगेटिव भी था, इसकी वजह से आज फेरी करने में मन नहीं लग रहा है। फिर भी घूम रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, रुक रुक के घूम रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल मिलते हैं फिर बाद। यहाँ पेट्रोल पंप पे
और पेट्रोल डलाया है 110 रुपये का। तो चलिए अभी फ़िलहाल निकलते हैं। टाइम दोस्तों अभी हो गया, इस समय कितना 2:15 हो रहा है। अभी अभी आ गया मैं दोस्तों होटल में, नाश्ता कर रहे हैं, देख सकते हैं लिट्टी समोसा है। टाइम दोस्तों अभी हो गया है लगभग 4 बज चुका है, तो टाइम 1 घंटा 1.25 घंटा समय हो रहा है। फिलहाल नाश्ता करते हैं और उसके बाद सीधे घर की तरफ चलते अभी हैं। 5 बज रहा है अभी दोस्तों, और इस समय का व्यू देख सकते हैं किस तरह का है दोस्तों। अभी दिन बढ़ा है, नहीं तो 5 बजे अंधेरा हो जाता था। अभी 5 बज रहा है और अभी फ्रेश ही है, यानी कि 5:30 बजे के आसपास सब अंधेरा होता है, 5:30 बजे। तो चलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल चलते हैं। और आज दोस्तों सेल बहुत ही कम हुआ है, बस इतना ही है, देख सकते हैं 250 और 20 10 का नोट है, और इधर थोड़ा रेचकी है बस, बहुत न के बराबर आज सेलिंग हुआ है। क्योंकि दोस्तों आज कन्फ्यूजन की वजह से आज मन ही नहीं लग रहा था घूमने में, और साथ ही साथ घर से जब चले हैं उसी समय ज़्यादा निगेटिव हो गया था, कन्फ्यूजन के साथ निगेटिव भी हो गया था, इसके वजह से आज मन नहीं किया है घूमने के। फिर भी रुक रुक के घूमे हैं, थोड़ा बहुत न के बराबर सेलिंग हुआ है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों घर, और दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करेंगे उससे पहले यहाँ का चारदर का व्यू दिखाते हैं कितना अच्छा सा है। बस यहाँ से 200-300 मीटर पर हमारा घर है, तो चलते हैं यहाँ का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों ये सीधे रोड जा रहा है सामने, वो हमारा गाँव है, सामने हमारा गाँव है, ये हमारे गाँव का ही सरे है। तो देख सकते हैं इस समय का कितना हरियाली व्यू है, हरा हरा गेहूं इस तरह का व्यू है। और इधर चला जाता है मरपा, बैक साइड में हमारे गांव से पश्चिम साइड में मरपा है, तो ये साइड में सीधे मरपा चला जाता है साइड में। और ये साइड में मुखी दोस्तों बहुत सारा कटा चुका है, देख सकते हैं थोड़ा बहुत लगा हुआ है, ये तो कटा गया है। दोस्तों चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, बेस्ट ऑफ लक।